क्या आप जानते हैं कि स्पेस में जाने से पहले डायपर क्यों पहनते हैं अंतरिक्ष यात्री? आखिर सड़क पर पड़े पैसों पर किसका होता है अधिकार? जाने क्या कहता है भारतीय कानून? और सिनेमा घरों में सीट्स पर क्यों बना होता है गिलास का डिजाइन? एक ऐसा देश जहां कद्दू के पानी में नहाते हैं लोग, लेकिन क्यों? और IAS बनने के लिए विदेश क्यों जाते थे भारतीय छात्र? जाने क्या था गुलाम भारत में सिविल सर्विस का अनोखा नियम? आइए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। नंबर 1, राजस्थान के आमेर में देश का पहला हाथी गांव मौजूद है, जहां इंसानों से ज्यादा हाथियों की आबादी मौजूद है। यह एलिफेंट विलेज 140 बीघा जमीन पर फैला हुआ है, जहां देश और विदेश से आए पर्यटक हाथी की सवारी करते हैं। इस गांव को साल 2008 में एलिफेंट विलेज घोषित किया गया था, जहां हाथियों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही थी। इस गांव में हाथियों के रहने और सोने के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, जबकि हाथियों के नहाने के लिए एक बड़ा सा कृत्रिम तालाब मौजूद है। इस गांव में हाथियों की देखभाल करने के लिए डॉक्टर की एक टीम रहती है, जो समय समय पर हाथियों के स्वास्थ्य की जांच करती है और उनके खाने पीने पर नजर रखती है। वहीं इस गांव में हाथियों के अलावा 100 से ज्यादा महावत और उनके परिवार रहते हैं, जो एलिफेंट विलेज के स्थानीय निवासी हैं। इन हाथियों की सवारी आमेर फोर्ट से शुरू होकर वापस किले पर ही खत्म होती है, जबकि 2 सवारी को हाथी पर बैठाने के लिए 1,100 रुपए किराया लिया जाता है। इसी से महावत और उनके परिवार का खर्च चलता है, जबकि एलिफेंट विलेज में हाथियों को देखने के लिए आने वाले लोगों से 50 रुपए और विदेशी पर्यटकों से 300 रुपए लिए जाते हैं। एलिफेंट विलेज में पर्यटक हाथी की सवारी का मजा भी उठाते हैं, जिसके लिए उन्हें 400 रुपए अलग से खर्च करने पड़ते हैं। नंबर 2, फसल को बर्बाद करने वाले टिड्डों से किसान बहुत डरते हैं, लेकिन मेक्सिको एक ऐसा देश है जहां टिड्डे किसानों से खौफ खाते हैं। दरअसल मेक्सिको में चैपुलाइंस नामक एक डिश बहुत ही फेमस है, जिसे बाजार में महंगे दामों पर बेचा जाता है। इस डिश को बनाने के लिए टिड्डे का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें पकड़ने के लिए किसान और गाँव के लोग सुबह सवेरे खेतों की तरफ निकल जाते हैं। मेक्सिको में 16वीं शताब्दी की शुरुआत से ही टिड्डों से बनी चैपुलाइंस डिश को खाया जाता है, जिसे सूखे मसालों के साथ चटपटे स्नैक के रूप में तैयार किया जाता है, और लोग चाय, कॉफी या बियर के साथ इसे खाना पसंद करते हैं। माना जाता है कि टिड्डों में प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिसका सेवन करने से बॉडी की प्रोटीन जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। मार्केट में इस डिश की कीमत $50 यानी 4,000 रुपए के आसपास होती है, जबकि मेक्सिको से लेकर सेंट्रल अमेरिका तक चैपुलाइंस खाने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। नंबर 3, कद्दू एक बहुत ही प्रचलित सब्जी है, लेकिन कुछ लोग इसका इस्तेमाल खाने के लिए नहीं बल्कि नहाने के लिए करते हैं। दरअसल यूनाइटेड किंगडम में पंपकिन स्पाइस स्पा डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें आम लोग ढेर सारे कद्दू खरीदते हैं और उनका इस्तेमाल ड्रिंक बनाने और नहाने के लिए करते हैं। इन लोगों का मानना है कि कद्दू से नहाने या फिर उसका फेस मास्क लगाने से त्वचा को कई तरह के फायदे मिलते हैं, जबकि कद्दू से बनाई जाने वाली ड्रिंक्स में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम में कई लोग कद्दू के पानी में नहाने के लिए स्पा जाते हैं, जहां कद्दू का पेस्ट बनाकर पानी में मिक्स किया जाता है और फिर उस पानी में जायफल, दालचीनी, लौंग और कॉफी जैसे मसालों को मिलाया जाता है। इस पानी में लोग घंटों तक लेटे या बैठे रहते हैं, जिसका तापमान हल्का गर्म होता है और यह शरीर को हील करने का काम करता है। माना जाता है कि कद्दू के पानी से नहाने से त्वचा का डैमेज ठीक हो जाता है, जबकि त्वचा की चमक और चिकनाहट भी बढ़ जाती है। इसी वजह से यूनाइटेड किंगडम में पंपकिन स्पाइस स्पा डे को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और इस इवेंट में सैकड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। नंबर 4, दुनिया के कई देशों में पानी की किल्लत हो रही है, जबकि वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करने के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की खपत होती है। ऐसे में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एक नए तरीके का टॉयलेट बनाकर तैयार किया गया है, जिससे फ्लश करने पर पानी नहीं बल्कि आग बाहर निकलती है। यह आग ह्यूमन वेस्ट को जलाकर राख बना देती है, जिसके बाद उस राख को मिट्टी में फेंक दिया जाता है। इससे न सिर्फ पानी की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि ह्यूमन वेस्ट से तैयार राख मिट्टी में फर्टिलाइजर का काम कर सकती है। इन टॉयलेट्स को उन देशों और जगहों पर लगाया जाएगा जहां पानी की कमी है, और इस तकनीकी से टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले कई लीटर पानी को बचाया जा सकता है। फिलहाल यह फायर टॉयलेट कुछ विशेष स्थानों तक सीमित है, लेकिन भविष्य में इनका इस्तेमाल कई देशों में पानी बचाने के लिए किया जा सकता है। नंबर 5, वर्तमान समय में IAS और IPS ऑफिसर बनने के लिए छात्र देश में ही सिविल सर्विस परीक्षा देते हैं, लेकिन आज से 100 से 150 साल पहले सरकारी परीक्षा का तरीका बिल्कुल अलग था। दरअसल भारत में अंग्रेजों के आने के बाद भारतीयों को उच्च पदों पर नौकरी नहीं दी जाती थी, लेकिन 1800 के दशक में कुछ पदों पर भारतीय नागरिक काम करने लगे थे। वहीं 1860 के दशक में भारतीयों को सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उस परीक्षा के लिए प्रतिभागियों को लंदन जाना पड़ता था। दरअसल उस दौर में सिविल सर्विस का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा हुआ करता था।
जिसमें ग्रीक और लैटिन भाषाएं भी शामिल थीं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रतिभागी सिविल सर्विस परीक्षा देना चाहता था उसे लंदन में जाकर एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती थी और इसके बाद ही उसे परीक्षा में बैठने दिया जाता था। उस वक्त सिविल सर्विस के लिए 23 साल की आयु सीमा तय की गई थी, जिसे बाद में घटाकर 19 साल कर दिया गया था। भारत में सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले पहले अभ्यर्थी का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था, जिन्होंने अपने कॉलेज फ्रेंड मोनू मोहन घोष के साथ लंदन में जाकर परीक्षा की तैयारी की थी। लेकिन इस परीक्षा में सिर्फ सत्येंद्रनाथ टैगोर ही पास हो पाए थे, जिसके बाद साल 1864 में उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बतौर सरकारी ऑफिसर नियुक्त किया गया था। बाद में सत्येंद्रनाथ टैगोर अहमदाबाद में सहायक कलेक्टर और महाराष्ट्र के सतारा जिले में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। इस दौरान उन्होंने 30 साल तक सरकारी विभाग में कार्य किया और न्यायाधीश के पद पर रहते हुए रिटायर हो गए थे। वहीं भारत में सिविल सर्विस एग्जाम का पाठ्यक्रम साल 1922 में शुरू किया गया था, जिसके बाद भारतीयों को लंदन जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस वक्त इस परीक्षा का नाम इंडियन इंपीरियल सर्विसेज हुआ करता था, जिसे बाद में बदलकर सिविल सर्विसेज कर दिया गया था। नंबर 6, महाराष्ट्र के औरंगाबाद को दरवाजों का शहर कहा जाता है, क्योंकि इस शहर के अंदर दाखिल होने के लिए एक या दो नहीं बल्कि 52 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। औरंगाबाद शहर का इतिहास आज से लगभग 500 साल से ज्यादा पुराना है, जहां प्राचीन समय में राजा महाराजा रहा करते थे। ऐसे में इस शहर की सुरक्षा के लिए 52 मजबूत दरवाजे बनाकर तैयार किए गए थे, जिन्हें पार करके शहर के अंदर घुसने की हिम्मत किसी दुश्मन में नहीं होती थी। वर्तमान समय में यह शहर मशहूर पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां हर साल सैकड़ों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम भी है, जहां उनके द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार और राजा महाराजाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़े संरक्षित करके रखे गए हैं। वहीं औरंगाबाद शहर में घूमते हुए पर्यटकों की नजर उन 52 दरवाजों पर भी पड़ती है, जिनकी वजह से यह शहर मशहूर है। क्या आप बता सकते हैं कि औरंगाबाद का नया नाम क्या है? हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, सड़क पर अक्सर चलते फिरते 10, 20 या 200 रुपए का नोट मिल जाता है, जबकि कुछ खुशकिस्मत लोगों को पैसों से भरा पूरा बैग भी मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सड़क पर मिले पैसों पर किसका अधिकार होता है, और अगर कोई इंसान उन पैसों को अपने पास रख ले तो क्या होगा? भारतीय कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 के अनुसार सड़क पर गिरे पैसों, नकदी या किसी कीमती सामान पर उसके असल मालिक का अधिकार होता है, जिसे कोई अन्य व्यक्ति बिना इजाजत के अपने पास नहीं रख सकता है। यानी अगर आपको सड़क पर 10 रुपए का सिक्का भी मिलता है तो आप उसे कानूनी रूप से अपने पास नहीं रख सकते हैं, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन पैसों को असल मालिक तक पहुंचाएं। इसके लिए आप पुलिस स्टेशन में जाकर नकदी को जमा करवा सकते हैं या फिर इनकम टैक्स एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर कोई इंसान सड़क पर मिले पैसों को अपने पास रख लेता है तो उसे सीधे तौर पर चोरी नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 2 साल जेल की सजा हो सकती है या फिर उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि इस कार्रवाई के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ पैसों के असल मालिक द्वारा शिकायत करना अनिवार्य होता है। नंबर 8, आप में से बहुत से लोग थिएटर में फिल्म देखने चाहते होंगे, जिसकी सीट्स में साइड की तरफ एक गिलास का डिजाइन बना होता है। कई लोगों को लगता है कि सीट के पास यह डिजाइन इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें पानी का गिलास, कोल्ड ड्रिंक या बोतल को रखा जा सके। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि असल में इस डिजाइन का इस्तेमाल फूड ट्रे रखने के लिए किया जाता है। दरअसल थिएटर में जब कोई इंसान खाना ऑर्डर करता है तो उसे एक ट्रे में फूड आइटम सर्व किया जाता है। ऐसे में उस ट्रे यानी फूड प्लेट पर गिलास का शेप बना होता है, और जब आप उस गिलास को सीट पर बने डिजाइन के अंदर फिक्स करते हैं तो ट्रे को स्टैंड मिल जाता है और वे आसानी से सीट के साथ अटैच हो जाती है। ऐसे में दर्शक को ट्रे हाथ में पकड़कर खाना खाने की जरूरत नहीं होती है और न ही उसका खाना इधर उधर गिरता है। इसी वजह से थिएटर की सीट पर गिलास वाला डिजाइन बना होता है। आप में से कितने लोगों को इस बात का पता नहीं था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 9, आपको यह जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाने के दौरान मैग सूट यानी डायपर पहनते हैं। दरअसल इस तरह के कपड़े में तरल पदार्थ को सोखने की क्षमता अधिक होती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स लिफ्ट ऑफ, लैंडिंग और स्पेस वॉक के दौरान डायपर पहनते हैं, क्योंकि यह 3 परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब एस्ट्रोनॉट्स का बाथरूम जाना संभव नहीं होता है। ऐसे में अगर किसी अंतरिक्ष यात्री को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है तो वह डायपर में टॉयलेट कर सकते हैं। यह स्पेस डायपर सामान्य डायपर से अलग होते हैं, जिन्हें शॉर्ट्स की तरह बनाया और पहना जाता है। हर एस्ट्रोनॉट को 3 मैग सूट यानी डायपर दिए जाते हैं, जिन्हें वह लॉन्चिंग, लैंडिंग और स्पेस वॉक के दौरान अलग अलग टाइम पर पहनते हैं। इस स्पेस डायपर को सबसे पहली बार अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बनाया था, क्योंकि साल 1961 में फ्रीडम 7 मिशन की लॉन्चिंग के वक्त एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड को वॉशरूम जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कत की वजह से कैप्सूल को खोला नहीं जा सकता था।
और स्पेस सूट पहने एलन को कपड़ों में टॉयलेट करने की इजाजत नहीं थी। हालांकि बाद में परिस्थिति को देखते हुए एलन को स्पेस सूट में टॉयलेट करने की इजाजत दे दी गई थी। वहीं इस घटना से नासा के वैज्ञानिकों को सीख मिली कि स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए डायपर बनाना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।